नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और मैं गिरिराज सर, और आज हम बात करते हैं सीट टेक्नोलॉजी के बारे में कि एग्जाम में सीट टेक्नोलॉजी से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो हम सीट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सीट टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। हिंदी में कहते हैं बीज प्रौद्योगिकी, इंग्लिश में कहते हैं सीट टेक्नोलॉजी। सीट टेक्नोलॉजी क्या होता है? इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्योर सीड, इट इज कॉल्ड सीड टेक्नोलॉजी। क्या होता है? आपको प्योर सीड प्रोडक्शन करना है। किसका? प्योर सीड का। प्योर सीड प्रोडक्शन के लिए जो भी प्रिंसिपल और प्रोसीजर होते हैं, उन सभी के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? सीड टेक्नोलॉजी। किसको? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ प्योर सीड प्रोडक्शन, इट इज कॉल्ड सीड टेक्नोलॉजी। क्या होता है? शुद्ध बीज के निर्माण के लिए, शुद्ध बीज के उत्पादन के लिए जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, उन सभी के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? सीड टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब सीड टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? बेसिक इनपुट। एग्रीकल्चर में जो बेसिक इनपुट होता है वो आपको पता है, सीड होता है। बेसिक इनपुट क्या होता है? सीड। तो हम बात करते हैं कि सीड है क्या, सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लांट में सीड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कैसे होता है। आइए देखते हैं कि सीड का फॉर्मेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीड क्या है, बीज क्या होता है। तो सीड की जो डेफिनेशन होती है वो दो तरीके से होती है, एक तो होती है एग्रोनॉमी के अनुसार और दूसरी होती है बॉटनी के अनुसार। सीड की जो डेफिनेशन होती है वो अकॉर्डिंग टू एग्रोनॉमी और दूसरा होती है अकॉर्डिंग टू बॉटनिकल। तो हम पहले बात करते हैं एग्रोनॉमी के अनुसार। एग्रोनॉमी के अनुसार क्या होती है? सीड क्या होता है कि प्लांट का कोई भी भाग, एनी पार्ट ऑफ प्लांट विच इज यूज फॉर ग्रो नेक्स्ट क्रॉप, मीन्स पादप का कोई भी भाग जिससे हम नया पौधा प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? सीड कहते हैं। एग्रोनॉमी के अनुसार क्या होती है? सीड एनी पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच न्यू क्रॉप विल बी ग्रो, मीन्स पादप का कोई भी भाग, प्लांट प्रोपीगुल्स या सीड मटेरियल विच इज यूज फॉर ग्रो नेक्स्ट क्रॉप, मीन्स पादप का कोई भी भाग जिससे क्या कर सकते हैं हम? सीड मीन्स नई क्रॉप बनाते हैं, जिससे न्यू क्रॉप का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, नई क्रॉप ग्रो करती है, उसे क्या कहते हैं हम? एग्रोनॉमी के अनुसार सीड कहते हैं। बट बॉटनिकली सीड क्या होता है? बॉटनिकली सीड क्या है, वही एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉटनिकली सीड क्या होते हैं। बॉटनिकली सीड जे फर्टाइल ओव्यूल, क्या होता है? फर्टिलाइज ओव्यूल। आपको एक याद रखना है, सीड जे फर्टिलाइज ओव्यूल। सीड क्या होता है? फर्टिलाइज ओव्यूल होता है। कंसिस्टेंट क्या होता है इसके अंदर? एम्ब्रियो। क्या क्या होता है? एम्ब्रियो, स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है? स्टोर्ड। तो कंसिस्टिंग एम्ब्रियो, स्टोर्ड फूड एंड सीड कोट विच इज वाइवल एंड हैज द गोट द कैपेसिटी ऑफ जर्मिनेशन। बॉटनी के अनुसार क्या होता है सीड की? बॉटनी के अनुसार सीड क्या होता है? सीड इज अ फर्टिलाइज ओव्यूल, मीन्स क्या होता है? निषेचित बीजांड होता है जिसमें भ्रूण प्लस भ्रूणपोष प्लस बीज आवरण, मीन्स एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और सीड कोट होता है, और जिसमें कि क्या जर्मिनेशन की अंकुरण की कैपेसिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बीज कहते हैं या सीड कहते हैं। इट इज बेसिक इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम देखते हैं कि सीड का फॉर्मेशन होता कैसे, एक प्लांट में बीज का निर्माण कैसे होता है, आइए देखते हैं। बट वो सीड टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्लांट में सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, सीड का निर्माण या बीज का निर्माण कैसे होता है। तो प्लांट में सीड का फॉर्मेशन मेनली कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। प्लांट में सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है कैसे? तो इसका आंसर है, प्लांट में जो सीड का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स पोलिनेशन के द्वारा। पोलिनेशन होगा और क्या होगा? पोलिनेशन होगा, जैसे आप हम फ्लो डायग्राम देखते हैं कि एक प्लांट है, ठीक है, जिसके ये परागकण है, इस एंथर के अंदर क्या है? पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन सेल्फ पोलिनेशन भी कर सकते हैं या फिर क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं। हम नॉर्मली समझते हैं कि सपोज क्रॉस पोलिनेशन, ये दूसरी स्टिग्मा है, सेम क्रॉप की स्टिग्मा हो सकती है। अगर सेम क्रॉप की स्टिग्मा होगी तो सेल्फ पोलिनेशन स्वपरागण होगा, अगर क्रॉस पोलिनेशन होगा तो क्या होगा? दूसरे फ्लोवर की स्टिग्मा होगी, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन क्या होता है? हवा में उड़ के जाते हैं। अगर क्रॉस पोलिनेशन है तो सेल्फ पोलन तो क्या होगा? हवा में जाएंगे, लेकिन आसानी से हवा से उड़ के जा सकते हैं, इंसेक्ट के द्वारा जा सकते हैं, चमगादड़ से, मीन्स डिफरेंट एजेंट की सहायता से क्या ये पोलन ग्रेन जा सकते हैं। जब ये पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा की सरफेस पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? इनका जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब बनती है, और पोलन ट्यूब कहाँ जाती है? ओवरी के अंदर। ये ओवरी है, पोलन ट्यूब कहाँ जाती है? इस ओवरी के अंदर। पोलन ट्यूब कहाँ जाती है? ओवरी के अंदर जाती है, याद रखना। पराग नलिका कहाँ जाती है? इस ओवरी के अंदर जाती है। कहाँ जाते हैं? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ ओव्यूल होते हैं,
क्या होता है ओव्यूल, पहली बात करिए यहाँ पर क्या होता है ओव्यूल, बीजांड, ठीक है। इस ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, इस ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोष, एम्ब्रियो सैक। आइए डायग्राम देखते हैं एम्ब्रियो सैक का, इस प्रकार से होता है, तीन सेल होती है एंटीपोडल सेल, यहाँ होती है सिनर्जेट सेल्स, एक होती है एग सेल्स, क्या होती है एग सेल्स, एग सेल्स होती है, क्लियर है। यहाँ पर बीच में होती है सेंट्रल सेल, बीच में क्या होती है सेंट्रल सेल, ऊपर वाली सेल को क्या बोला जाता है, ऊपर वाली सेल को बोलते हैं एंटीपोडल सेल, क्या बोलते हैं हम इसे एंटीपोडल सेल कहते हैं, नीचे वाली सेल को क्या कहते हैं सिनर्जेट सेल, सिनर्जेट्स सेल कहते हैं, नीचे वाली सेल को क्या कहते हैं हम सिनर्जेट सेल कहते हैं, और बीच वाली सेल को क्या कहते हैं सेंट्रल सेल। ये एन होती है, ए भी एन होती है, ये एक्स सेल है, ये क्या है एक्स सेल अंडकोशिका, ये भी एन होती है, ये एन प्लस एन होती है, क्लियर है। अब क्या होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, अब क्या होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, तो देखो कैसे होती है, तो ये पोलन ट्यूब इस एम्ब्रियो के अंदर एंट्री करती है, पोलन ट्यूब किसके अंदर एंट्री करती है, तो इस एम्ब्रियो के एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करती है, पोलन ट्यूब इधर से आएगी इसके अंदर एंट्री करेगी, इसके अंदर जब एंट्री करती है तो इसके अंदर दो गैमेट्स होते हैं, मेल न्यूक्लियस कितने होते हैं दो, कितने मेल न्यूक्लियस होते हैं दो, ठीक है। एक मेल न्यूक्लियस इस एक्स सेल से फ्यूज होता है, एक किससे जुड़ता है इससे, और एक किससे जुड़ता है इससे, ये एन प्लस एन है, इसको कहते हैं हम सेंट्रल सेल, इसे क्या कहते हैं हम सेंट्रल सेल। इस टॉपिक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डबल फर्टिलाइजेशन का वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, आप वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव देख सकते हैं, ये जो वीडियो है पहले मैंने डाल दिया है, आप पुराने वीडियो में एक बार देखें, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये एक जो एक्स सेल होती है, एक जो मेल गैमेट है ये वाला, इसके साथ फ्यूज होता है, ये किसमें बदलता है थ्री एन एंडोस्पर्म में, क्या बनता है एंडोस्पर्म, और ये दोनों आपस में जो मिलते हैं मेल गैमेट और एम्ब्रियो, ये दोनों जो आपस में मिलते हैं इससे क्या बनता है जाइगोट, अरे इससे क्या बनता है जाइगोट, क्या बनता है जाइगोट, और जाइगोट से आगे चल के क्या बनता है एम्ब्रियो। तो मीन्स ये पूरा का पूरा ओव्यूल, ये पूरा का पूरा ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ये पूरा का पूरा ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है सीड में। तो सीड का फॉर्मेशन किससे, समझ में आया आपको कि सीड का फॉर्मेशन किससे होता है ओव्यूल से, सीड का फॉर्मेशन किससे होता है ओव्यूल से, याद रखना आपको एग्जाम में पूछा जाएगा सीड का फॉर्मेशन किससे होता है, तो आपको क्या बताना है सीड का फॉर्मेशन किससे होता है ओव्यूल से। आपसे पूछेंगे फ्रूट का फॉर्मेशन किससे होता है, तो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है ओवरी से, फ्रूट का फॉर्मेशन किससे होता है ओवरी से, और सीड का फॉर्मेशन किससे होता है तो ओव्यूल से, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीड कितने प्रकार के होते हैं, तो सीड दो प्रकार के होते हैं, इनसे एग्जाम में लास्ट ईयर नेशनल सीड कॉरपोरेशन के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एग्जाम्पल पूछा गया था डाइकोट एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं कि सीड कितने प्रकार के होते हैं, तो सीड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डाइकोट और एक होता है मोनोकोट। सीड कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है डाइकोट सीड, डाइकोटिलेडन सीड, और दूसरा होता है मोनोकोटिलेडन सीड। सीड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। सीड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, क्लियर आपको। कौन कौन से सीड्स होते हैं, एक होते हैं डाइकोटिलेडन सीड, डाइकोटिलेडन सीड, ठीक है, डाइकोटिलेडन सीड, और दूसरा होता है मोनोकोट सीड, ठीक है, डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट जो सीड्स हैं, आप डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पर डायग्राम है, आप डायग्राम में देख रहे होंगे डाइकोट सीड क्या होते हैं, तो डाइकोट सीड जो होते हैं, डाइकोट सीड में कितने टू कोटिलेडन्स होते हैं, डाइकोट सीड में कितने कोटिलेडन्स होते हैं टू कोटिलेडन्स, इस प्रकार देखो आप डाइकोट सीड में कितने कोटिलेडन्स होते हैं टू कोटिलेडन्स होते हैं, डाइकोट सीड में कितने कोटिलेडन्स टू कोटिलेडन्स होते हैं, आप डायग्राम में देख रहे होगे, तो ये दोनों क्या होते हैं कोटिलेडन, डाइकोट सीड के अंदर कितने कोटिलेडन, ये दोनों क्या हैं कोटिलेडन्स, ये दोनों जो क्या होते हैं कोटिलेडन्स होते हैं, याद रखना आपको ये दोनों क्या हैं कोटिलेडन्स। डाइकोट सीड में कितने कोटिलेडन्स होते हैं टू, इसलिए क्या नाम होता है डाइकोट। ये जो होती है एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, एम्ब्रियो में क्या होती है एम्ब्रियोनल एक्सेस, भ्रूण के अंदर क्या पाई जाती है भ्रूणीय अक्ष, एम्ब्रियो के अंदर क्या होती है एम्ब्रियोनल एक्सेस, उस एम्ब्रियो के अंदर ऊपर वाला जो पार्ट है डाइकोट के ऊपर वाला जो कोटिलेडन के ऊपर वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं हम एपिकोटाइल, याद रखना आपको एपिकोटाइल, और नीचे वाला पार्ट होता है हाइपोकोटाइल, क्या होता है, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं,
क्या कि कोटिलेडन के अब ऊपर एम्ब्रोनल एक्सेस का जो पार्ट कोटिलेडन्स के ऊपर होता है, एम्ब्रोनल एक्सेस का जो पार्ट जो कोटिलेडन के ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं। और कोटिलेडन्स का जो पार्ट जो नीचे की ओर होता है उसे क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं। ये एपिकोटाइल आगे चल के किसका फॉर्मेशन करता है, प्लेम्यूल, किसका, प्रांकुर, और इससे आगे चल के किसका फॉर्मेशन होता है, सूट का या स्टेम का फॉर्मेशन होता है। ये तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एग्जाम में पूछा जाता है, प्लेम्यूल का फॉर्मेशन किससे होता है, तो आंसर एपिकोटाइल्स और प्लेम्यूल आगे चल के क्या बनाता है, तना या सूट का फॉर्मेशन करता है। हाइपोकोटाइल जो होता है बिलो द कोटिलेडन्स, कोटिलेडन के नीचे वाला जो भाग होता है सीट का क्या कहलाता है, एम्ब्रोनल एक्सिस का हाइपोकोटाइल, ये आगे चल के क्या बनाता है, रेडिकल, क्या बनाता है। हम बात कर रहे थे कि जो डाइकोट सीट होता है उस डाइकोट सीट के अंदर कितने कोटिलेडन्स होते हैं, डाइकोट सीड में 2 कोटिलेडन्स होते हैं। तो कोटिलेडन्स के कितने पार्ट होते हैं, कोटिलेडन्स के 2, टोटल कितने कोटिलेडन्स हैं, 2। तो जो एम्ब्रो के अंदर क्या होती है, एम्ब्रोनल एक्सेस, आपको याद रखना है कि जो एम्ब्रो होता है सीड के अंदर सबसे मेन पार्ट क्या होता है, भ्रूण, सीड के अंदर सबसे मेन पार्ट क्या होता है, एम्ब्रो होता है। इस एम्ब्रो में क्या होती है, एम्ब्रोनल एक्सेस क्या प्रेजेंट होती है, एम्ब्रोनल एक्सेस, भ्रूणीय अक्ष होती है। इस भ्रूणीय अक्ष जो है इसमें कोटिलेडन्स के ऊपर वाला जो भाग, ये पूरी क्या है, भ्रूणीय अक्ष होती है, ये पूरी क्या है, एम्ब्रोनल एक्सेस है। इस एम्ब्रोनल एक्सेस में जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, किसका, ऊपर वाला जो पार्ट कोटिलेडन्स का, कोटिलेडन्स के ऊपर एम्ब्रोनल एक्सेस का जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, हम एपिकोटाइल कहते हैं, या फिर एपिकोटाइल से आगे चल के क्या बनता है, प्लेम्यूल। एपिकोटाइल से आगे चल के क्या बनता है, प्लेम्यूल बनता है, और प्लेम्यूल से आगे चल के सूट या स्टेम या तने का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और कोटिलेडन्स के नीचे वाला एम्ब्रोनल एक्सेस का जो भाग कोटिलेडन्स के नीचे होता है, एम्ब्रोनल एक्सेस का जो पार्ट कोटिलेडन्स के नीचे होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम हाइपोकोटाइल, उसे क्या कहते हैं, हम उसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। इस हाइपोकोटाइल से आगे चल के क्या बनता है, रेडिकल, और रेडिकल से आगे चल के किसका फॉर्मेशन होता है, तो रूट का फॉर्मेशन। तो आपको याद रखना है कि डाइकोट सीट जो होते हैं, डाइकोट सीट जो होते हैं उसमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं। अब एग्जाम में जो नेशनल सीट कॉरपोरेशन के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो किस प्रकार से पूछा गया था, आइए देखते हैं। एग्जाम में पूछते हैं कि जो डाइकोट सीट्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, डाइकोट सीट कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के, देखते हैं हम डाइकोट सीट कौन कौन से हैं। इस प्रकार से आएगा एग्जाम में, डाइकोट एंडोस्पर्मिक सीड, डाइकोट एंडोस्पर्मिक सीड, और एक होता है डाइकोट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, डाइकोट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। 2 प्रकार के सीड होते हैं, डाइकोट एंडोस्पर्मिक और नॉन, इसको कहते हैं हम एक्स एल्बुमिनस, और इसको कहते हैं एल्बुमिनस, इसे क्या कहते हैं, एल्बुमिनस, क्लियर है। डाइकोट एंडोस्पर्मिक सीड, और दूसरा होता है डाइकोट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। 2 प्रकार के सीड होते हैं, एक होता है कौन सा, डाइकोट एंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस, और दूसरा होता है डाइकोट नॉन एंडोस्पर्मिक का एक्स एल्बुमिनस सीड, क्लियर है आपको। अब आगे बात करते हैं कि क्या होते हैं, ठीक है। डाइकोट एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब होता है अगर सीड में मैच्योरिटी के टाइम पर, अगर सीड में मैच्योरिटी के टाइम पर अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड। क्या होते हैं सीड्स, ठीक है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट एट द मैच्योरिटी, अगर सीड में मैच्योरिटी के टाइम पर अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है तो इसे क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, एग्जाम में इसके एग्जांपल आते हैं, कैस्टर एग्जांपल है, कैस्टर पपाया कॉटन जूट, ये सभी के इसके एग्जांपल हैं, एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल। दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक, मीन्स अगर सीड के मैच्योरिटी टाइम पर एंडोस्पर्म नहीं होता, सीड में मैच्योरिटी के टाइम पर अगर एंडोस्पर्म नहीं होता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम एक्स एल्बुमिनस या नॉन, अगर सीड जब परिपक्व होता है, परिपक्व होने के टाइम मीन्स मैच्योर हो गया, उस समय अगर सीड में एम्ब्रो नहीं होता है, मीन्स एम्ब्रो का किसने यूज कर लिया, सॉरी एंडोस्पर्म का किसने यूज कर लिया, अगर मैच्योरिटी टाइम पर एंडोस्पर्म नहीं होता है तो एंडोस्पर्म कहाँ चला गया, एंडोस्पर्म को डेवलपिंग एम्ब्रो ने क्या कर लिया,
कर लिया, उससे फूड मटेरियल को ग्रहण कर लिया। अगर सीड में मैच्योरिटी के टाइम पर अगर एंडोस्पर्म नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्या होता है, एंडोस्पर्म एब्सेंट, एंडोस्पर्म एब्सेंट एट मैच्योरिटी। अगर सीड की मैच्योरिटी पर एंडोस्पर्म अगर एब्सेंट होता है तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या कहते हैं इसे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं उसे। क्या कहते हैं हम, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। क्लियर है, उसे क्या कहते हैं हम, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। दो प्रकार के सीड्स होते हैं, कौन कौन से, डाइकोट एंडोस्पर्मिक सीड और दूसरा होता है डाइकोट नॉन। एग्जाम में पूछा था ग्राम किस प्रकार का, एग्जाम में क्या पूछा था, जो ग्राम है एग्जाम्पल क्या पूछा था कि चना का जो सीड है वो किस प्रकार का होता है, चना का सीड किस प्रकार का होता है, तो डाइकोट नॉन एंडोस्पर्मिक होता है चना, ठीक है। दूसरे नंबर पर होता है चना के बाद बीन, ठीक है, चना ग्राम है, बीन है, टैमरेंड है, कोकरबिट्स है, गार्ड्स है, ये सभी के एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि डाइकोट एंडोस्पर्मिक सीड क्या, डाइकोट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं, आपको एग्जाम्पल देख ली होंगी, डाइकोट एंडोस्पर्मिक क्या, डाइकोट नॉन एंडोस्पर्मिक। उसी प्रकार मोनोकोट सीड होते हैं, तो हम बात करते हैं मोनोकोट सीड क्या होते हैं, ठीक है। डाइकोट की बात कर ली हमने, अब बात करते हैं हम मोनोकोट सीड क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी बुक में ये नहीं मिलेगा, जनरल एग्रीकल्चर की किसी भी बुक में ये कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा, ना कि आपको कोई भी पढ़ाने वाला, कोई भी कोचिंग वाला आपको ये कंसेप्ट नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। ये सिर्फ अभ्यास एग्री अकेडमी वाले गिरिराज सर ही आपको पढ़ाएंगे कि ये क्या हो रही है, एग्जाम में आता है, बहुत सारे एग्जाम में क्या आते हैं इसके क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोकोट, मोनोकोट सीड जो होता है, याद रखना मोनोकोट ले मतलब वन, मोनोकोट्स में कितने कोटिलेडन्स होते हैं वन, मोनोकोट में कितने कोटिलेडन्स होते हैं वन, मोनोकोट सीड में वन कोटिलेडन्स होता है, मोनोकोट सीड में कितने कोटिलेडन्स होते हैं वन कोटिलेडन्स होता है। अब ये भी दो प्रकार के होंगे, मोनोकोट एंडोस्पर्मिक और मोनोकोट, दूसरा क्या होगा, एक मोनोकोट एंडोस्पर्मिक होगा और एक मोनोकोट क्या होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक। तो हम बात करते हैं मोनोकोट एंडोस्पर्मिक सीड, मोनोकोट एंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर है आप सबको, मींस वही डेफिनेशन वही है क्या, अगर सीड में मैच्योरिटी के टाइम पे अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, मोनो एंडोस्पर्मिक, वो डाइकोट भी हो सकता है मोनोकोट भी हो सकता है। क्लियर है, इसको हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनस, इसे क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, राइस, व्हीट, मेज और कोकोनट, ये जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ इनसे एक भी एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। दूसरा है मोनोकोट, दूसरा है हमारा मोनोकोट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, दूसरा हमारा मोनोकोट नॉन एंडोस्पर्मिक एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, इसके एग्जाम्पल है पोथोस, इसका एग्जाम्पल हॉर्टिकल्चर कुछ ग्रासेस है पोथोस, एमोर्फोफिलस और एलिस्मा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि मोनोकोट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है, अगर सीड में मैच्योरिटी के टाइम पर अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। आपको क्लियर है, ये आपकी इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप ज्वाइन करें अभ्यास एग्री अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप ज्वाइन करें अभ्यास एग्री अकेडमी का टेलीग्राम चैनल, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। और आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से अभ्यास एग्री अकेडमी की एप्लीकेशन, और आप कंप्लीट एग्रीकल्चर पढ़ें गिरिराज सर से, आपको बेहतरीन सभी के वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी डेली, और जो ओरिएंटेड एग्ज़ाम है किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने एनएससी सीनियर ट्रेनी सिलेक्टेड हूँ, एमआर जो एनएफएल का एमआर एग्ज़ाम होता है उसमें भी सिलेक्टेड हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम में मैं सिलेक्टेड हूँ, तो मुझे क्या एक्सपीरियंस है, 6 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो आपको किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेगी, ठीक है। थैंक यू।